हजारा मस्जिद ये तो लोग बोले सब मेरे को इसे पहला मस्जिद के बाद जमीन दिलाए 4 लाख से जमीन खरीदे मैं इसमें एक बने का पत्थर है साहब पत्थर निकालो बोले तो मैं अच्छी बात बोला मैं मिनिस्टर बनते ही काम शुरू करे उसने वो 16 लाख से जमीन वो पत्थर निकालने को 16 लाख बोला मैं पैसे के नहीं देखा एक बार पहुंच गया मस्जिद में मैं बोला जितने भी होंगे मैं आपका मस्जिद अच्छा बनाऊंगा इससे पहले 20 साल पहले तो पहली बार मैंने तो उसने हिंदे बनाए थे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वोट के वास्ते नहीं मैं एक ही वायदा कर रहा हूँ आपको जो काम है अब फंड कंपनी पे भी जो नॉमिनेटेड चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टेट लेवल के लेवल में ये पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद वो फिलअप करना है जरूर नालंदा टाउन से आप जो यहाँ का सबका सपोर्ट लेके सबका एडवाइस लेके हमारा अभी साहब भी पहले से कांग्रेस में फिर सबको मिला के नॉमिनेटेड कारपोरेशन भी एक गिराना बोल के मैं सीएम साहब को बोल दिया वो भी सचिव हो जाएंगे मैं और एक बार शुक्रिया और एक रमजान का मौके में अल्लाह को वही दुआ कर रूँ फिर कर रूँ मैं सब अच्छा गरीब लोग अच्छा रहना गरीब लोगों के साथ हम रहते इससे पहले जो पार्टनरशिप में लिखने में 4% रिजर्वेशन दे के मुसलमान को जो थोड़ा सपोर्ट दिए थे कोई लोग बोले थे बीच में हमारा गवर्नमेंट आए तो रिजर्वेशन निकाल तो बोल दे ये है गरीब लोगों को मांगे जब तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ के रिजर्वेशन ब्लैक पार्टी कांग्रेस पार्टी सेंटर पार्टी आज देश में एक ऐसा मामला है मोदी और अमित शाह कब क्या बोलते रहे मान एक दिन 370 बोलते एक दिन वो सीए बोलते कामन से बोलते बोले ऐसा पार्टियों को दूर रखना एक ही है इसीलिए कल भी बड़ा रैली करे थे दिल्ली में मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूं कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी है सेक्युलर पार्टी जो भारत को जोड़ो नफरत छोड़ो पर क्या हमारा नेता राहुल गांधी जो यात्रा करे उसमें कांग्रेस पार्टी का नहीं बोले नफरत छोड़ो ये कम्युनिकल कंपनी का नाम पे वोट नोटा लाते मोदी साहब ये गलत है 25 करोड़ का हवा में जो इंडिया में क्या करना चाहते मोदी साहब फिक्स इसलिए मैं ये भी बोल रहा हूँ सिक्योरिटी पार्टी को सपोर्ट करो हम आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया